सीआईए नूह पुलिस ने एनसीआर की पुलिस की नींद उड़ाने वाले 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर कई दर्जन एटीएम चोरी लूट के साथ साथ कई दर्जन गाड़ियों के टायर खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने बदमाश से देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस एवं खोल भी बरामद किया है। बदमाश पुलिस पर एक बार नहीं बल्कि कई बार सीधा फायर दाग चुका है, तो गौतस्करी के मामले भी इस पर दर्ज है। पकड़ा गया बदमाश जिस गिरोह से संबंध रखता है उसमें 2,00,000 रुपए का इनामी अडवाणी एवं 50,000 रुपए के पोला और संदीप नाम के इनामी भी शामिल हैं। सीआईए 1 की टीम के मुताबिक गिरोह के 11 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से कुछ जेल में बंद हैं, तो कुछ को जेल की सलाखों में भेजने की तैयारी सीआईए की टीम कर रही है। सीआईए 1 इंचार्ज विजय पाल ने पत्रकार वार्ता में खुलासा किया कि पकड़े गए बदमाश का नाम अमजद पुत्र एजाज निवासी थुलावट है। अमजद अपने निवासियों के साथ IMT मानेसर इलाके से 2 दर्जन से अधिक ट्रक ट्रॉली आदि के टायर खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। तो खो मानेसर बेगमपुरा खटोला फरूखनगर वजीराबाद राजनगर नाहरपुर रूपा झाड़सा दौलताबाद तिकोना पार्क बजघेड़ा फेज 1 एंड फेज 2 सिरोहल नवादा नाहरपुर इत्यादि इलाकों से ATM उठाने लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने खरखड़ी गांव के समीप KMP पुलिस के समीप से बदमाश को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी पर पुलिस पार्टी पर सीधा फायर करने का भी आरोप लग रहा है। तावड़ू पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कल ASI मुकेश कुमार अपने साथी कर्मचारियों के साथ अपराधों की रोकथाम के लिए तावड़ू सोना रोड पर मौजूद था, जिसको गुप्त सूचना मिली थी कि अजमत सनोप एजाज मेवारो धुलावट जो अपराधी किस्म का आदमी है काफ़ी वारदातों में वांछित है और गुड़गावा से 50,000 रुपए का इनामी है, जिस पर ASI मुकेश कुमार ने HC विक्रांत की अलग टीम गठित की और दूसरी अपनी गठित की और बताए हुए स्थान पर रेड की KMP पुल के ऊपर अजमत ने अपने जेब से कट्टा निकालकर HC विक्रांत पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर किया। जब कट्टे को दोबारा से लोड करने लगा तो ASI मुकेश ने सिपाही महेंद्र की इमदाद से उसको काबू कर लिया। काबू करके तलाशी लेने पर उससे एक कट्टा 315 बोर 2 जिंदा रौंद और एक खोल बरामद हुआ। CIA नूह के मुताबिक अमजद अडवाणी अमिताभ मुश्ताक साजिद मोइन शाहिद इरशाद इस्ताक संदीप इस गिरोह में शामिल हैं। 10 बदमाशों में से 4 बदमाश इनामी हैं। CIA 1 नूह इंचार्ज विजय पाल ने कहा है कि इस गिरोह के जो सदस्य अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं वे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अमजद के पुलिस गिरफ्त में आने से न केवल पुलिस की राह आसान होगी बल्कि NCR क्षेत्र से ATM लूट तथा टायर चोरी की वारदातों में कमी आने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो अजमत जो है अपने साथी अडवाणी जो 2,00,000 रुपए का इनामी है उसके साथ मिल करके गुरुग्राम से जगह जगह से काफ़ी ATM मशीनें चोरी करनी बतलाई हैं तथा मानेसर IMT में पार्किंग ट्रकों से खड़े ट्रकों के टायर चोरी करने बतलाए हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया है और आज पेश अदालत किया जाएगा। इसको वारदात करते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। मानेसर IMT में जो पार्किंग है उससे ज़्यादा भी ना तो 25-30 गाड़ियों के टायर इन्होंने चोरी करके लाए हैं और गुड़गांव से जगह जगह से 20-25 ATM मशीनें उखाड़कर चोरी करके लानी वारदातें कबूल की हैं। उनमें कुछ गिरफ्तार होकर के बंद जुडिशियल हैं और कुछ अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर घूम रहे हैं, जिनको अति शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। CIA नूह पुलिस ने बदमाश की गिरफ्तारी की सूचना पड़ोसी थानों में दे दी है। CIA नूह पुलिस इनामी बदमाश को पकड़ने के बाद रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि अधिक से अधिक वारदातों का खुलासा किया जा सके। नूह मेवात से AK बघेल। एक बार फिर बजी जींद में चुनाव की रणभेरी। एक बार फिर मैदान में उतरेंगे सियासी योद्धा। कौन लड़ेगा विकास के मुद्दे पर? कौन खोलेगा सत्ताधारियों की पोल? क्या भाजपा जीत पाएगी ये सेमीफाइनल या फिर विरोधी बजा देंगे ढोल?
जींद विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखिए जींद की जंग केवल सत्य खबर पर। आज ही लॉगिन करें www.satyakhabar.in पर। सब्सक्राइब करें YouTube/satyakhabar। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।